जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से हम गूगल दीदी का सहारा लेते हुए कच्चे रास्तों का सामना करते हुए और एक दूसरे की टांग खींचते हुए जैसे तैसे दल्हा पहाड़ तक पहुँचे थे और हमने दल्हा पहाड़ चढ़ना शुरू किया और दल्हा पहाड़ चढ़ते समय किस तरह से हमारी जान हमारे गले में अटक आई ये तो आपने पिछले व्लॉग में जान ही लिया। देख रहा भाई चल डेयरिंग बाज लड़का है लेकिन मोटिवेशन नहीं आनी चाहिए दोस्तों। या भाई मैं बैग तरफ खाली कर रहा हूं। एक कमेंट हमारे हिम्मत के लिए जाओ। एक कमेंट बनता ही है। तुम हार के बैठे हो। दल्हा पहाड़ चढ़ते हुए मैंने भी पंकज और सीतेश के साथ हार मान ही ली थी और मेरे कदम रुक से गए थे। फिर मैंने सोचा इस बार अगर तू यहीं रुक गया तो फिर वापस जाने के बाद तुझे रिग्रेट के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर ये सोचकर मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और मैंने चढ़ना शुरू करा। सो दोस्तों ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है ना एज अ ट्रैकर। मतलब एक पहाड़ में बिना सीढ़ियों के चढ़ना पहली दफ़ा हुआ है और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। मतलब भाई 500 मीटर भी ना कवर हुए होंगे और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। बहुत खतरनाक ये नज़ारा। मैं पागल था जो इसमें आया यार। ऊपर चढ़ने के एक्साइटमेंट में और सिनेमैटिक के शो ऑफ में मैं आपको दो मेन चीज बताना भूल ही गया। चल सड़क बोल दे पे। तो दोस्तों हमें पता चला कि मेन सड़क से एक लगा हुआ एक कच्चा रास्ता है जो हमें दल्हा पहाड़ तक पहुंचाएगी। तो अगली बार जब आप आएंगे तो इस चीज का ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पर कच्चे रास्तों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। रास्ता दिखा दे भाई। रास्ता तो देख ही चुके होंगे आप है ना। दोस्तों मैं आपको ये इंश्योर करा देता हूँ कि आप जब भी आएँ तो अपना पर्सनल बाइक या फिर पर्सनल ऑटो बुक करा कराना क्योंकि यहाँ कोई बस या फिर ऑटो की सुविधा आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है फिर पैदल चलना पड़ेगा बॉस। हम अभी तक कुछ इस तरह की चढ़ाई कर रहे थे फिर सडन एक टर्न आता है जिसमें हमें सीधी खड़ी चढ़ाई करनी होती है पहाड़ की चोटी तक चढ़ने के लिए। ये मेरे लाइफ का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस रहा है भाई। और जहाँ से मुझे मेरी मंजिल इन्हीं दो आंखों से बहुत ही खूबसूरत नजर आने लगी थी। बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करते हुए एकदम सीधी चढ़ान करने के बाद जब ये नज़ारा देखने को मिले ना तो पूरी थकान मिट जाती है। अब मुझे खुशी हो रही है कि अच्छा हुआ मैंने हार नहीं माना और मैंने ऊपर चढ़ाई करी और ये जो नज़ारे हैं आए आए इनका जो लुत्फ है ना वो सिर्फ नज़रों से देखी जा सकती है। अभी थोड़ा और ऊपर चढ़ना बाकी है 20%। हाय चलो फिर आपको ऊपर में मिलते हैं। ऊपर की चढ़ाई मैं मेरी खुशी बता तो नहीं सकता पर दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। 1, 2, 3 Finally, we reach our destination. Hi, Sukun. Sukun, dekhna hai na? 3, 2, 1. पहुंचने के बाद मुझे खुशी की डेफिनेशन पता चली कि आखिर खुशी होती क्या है। फिर से उड़ चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो कि
किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक ओ, 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 सुकून का नाम सुना ही था, आज सुकून देख लिया। ऊपर से जो वो नज़ारे दिख रहे थे मुझे, वो नज़ारे ने वो मुझे मेरी अंदर की खुशी दिख रही थी। पात पात मेरे साथ साथ फिर दर दर, ये कभी सहरा कभी सावन, बनू रावण जीव मर मर के, कभी डाल डाल कभी पात पात, कभी दिन है रात कभी दिन दिन है, क्या सच क्या माया। भाई वो फील मिला ना जो सुकून मिल रही है ना, मतलब मेहनत मेहनत से सुकून होता है, वाकई मीठा होता है। मतलब मैं अगर यहाँ ऊपर तक नहीं आता ना तो मुझे वाइब और ये व्यूज और ये जो सुकून है ना उसके बारे में पता नहीं चलता। तो बीच में मेहनत मत हारो, ये समझ आई यहाँ कर, और नेचर है यार प्रकृति ना, उसके बारे में क्या ही कहना। जन्नत है, जन्नत जन्नत भाई। मतलब छत्तीसगढ़ में भी इतने तगड़े तगड़े प्लेसेस हैं ना, मैं क्या बताऊँ। बस छुपे हुए हैं, जैसे हमारे अंदर टैलेंट छुपी हुई है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में इतने सारे अच्छे अच्छे नेचर वाले प्लेसेस छुपे हुए हैं, और क्या बोले। अब तो मैं भी सोच रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम बायो में और यूट्यूब बायो में वंडरलस्ट छाप दूँ। बहुत ही ज़्यादा शानदार लोकेशन, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रकृति भाई, प्रकृति प्रकृति के बारे में और क्या कहूँ मैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा मतलब वंडरलस्ट, मेरा नेचर हॉलिक बनने का मन कर रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा हिम्मत नहीं है मेरे पास। सो टाइम की लिमिट होने की वजह से और प्याज बहुत ज़्यादा लगने की वजह से अब हमें नीचे जाना पड़ रहा है। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद और ख़ुद को टाइम देने के बाद जिस तरह से हम ऊपर चढ़े थे उससे दोगुनी खुशी के साथ हम नीचे उतरने की तैयारी कर रहे थे। भाई ऊपर जैसे तैसे हिम्मत जुटा जुटा कर, हिम्मत इकट्ठा कर 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 ऊपर तो आ गए, है ना। अब नीचे जाने के लिए जिगरा चाहिए यार, अब जिगरा तो मेरे पास पहले से नहीं है। अब क्या क्या करूँ कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं धीरे धीरे, अपन धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। नहीं कम है, कम है। भाई चढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए और उतरने के लिए जिगरा चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, एक तरह से ये भी मेरी ख्वाहिश थी कि कहीं अच्छे से नेचर वाले प्लेस में जाऊँ, एक्सप्लोर करूँ, है ना, ट्रैकिंग करूँ, ठीक है भाई। भाई साहब मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ना तुमको वो चीज़ें दे जाती है जो तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी हो, लेकिन तुमने सोची ज़रूरी होगी। हाय मैं बहुत खुश नसीब हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने बीच में हार नहीं मानी। मतलब मैं सोच रहा था नहीं जाऊंगा करके, लेकिन मैं ऊपर तक गया, ऊपर में जाकर मैंने पूरा सुकून का मज़ा लिया। अब मैं वापस जा रहा हूँ। एक मुफ्त का ज्ञान दूँ भाई, तुम ना जब भी ऐसे पहाड़ी वाले क्षेत्र में या फिर ऐसे एरियाज में जाते हो ना जहाँ तुम्हें चढ़ाई करनी होती है या फिर बहुत ज़्यादा चलना होता है, तो आप प्रीफर कर सकते हो टी शर्ट और निकर, ठीक है। एक नॉर्मल सा बैग पकड़ो और बस उठा कर ला लो, और पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए भाई, पानी की बोतल ज़रूर याद से, ठीक है। तो और लोग जो गए थे, और मैन भाई कुछ बोलना चाहेंगे। हम लोग गए थे वहाँ तो पानी बॉटल नहीं ले गए थे, खाली बैग में बस स्वेटर पकड़ गए थे, हालत ख़राब हो गया था और दूसरे भाई से मंगना पड़ा पानी। हाँ हमने एक गलती कर दी थी, हम बिना पानी बोतल के मतलब हमने रखी थी बट बैग हमने नीचे छोड़ दिया जिसमें पानी था, जिस वजह से हमें जल्दी नीचे आना पड़ा। सो याद रखना दोस्तों, ऊपर जाने की एक अलग ही खुशी थी और नीचे एकदम सेफ तरीके से और बहुत ही मतलब कुछ नसीब याद मैं वापस से फ्रेश तरीके से वापस आ गया, इसकी अलग खुशी।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना।